And moving on, it is shocking to how the blame game continues over the Kota medical apathy. Despite 91 lives that are lost, children who are no more, but it's been over a month that and there is still no accountability, but only blame game that we have been witnessing. In fact, Rajasthan Health Minister Raghu Sharma, who has now drawn the Citizenship Act parallel to this story. In fact, he's claimed that this entire controversy is being orchestrated on the directions of the PMO because they are troubled by the anti-CAA protests in Rajasthan. And he's also said that he wants to question the center's silence over Gorakhpur deaths. Let's first listen in to what he said. भारतीय जनता पार्टी ये प्रधानमंत्री कार्यालय से तय हो रहा है परेशान हो चुकी है जो सीएए को लेके एनआरसी को लेके राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ है अब उनको कोई और चीज तो मिलती नहीं है मेरा सवाल तो उनसे ये है कि जब आदित्यनाथ जो इनके मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर में उनके गृह क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से 100 से ज्यादा बच्चों ने दम तोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था क्या वहां यहां राजनीति करने के लिए आ रहे हो तो जवाब दो मेरे को 2015 में अस्पताल प्रशासन ने 8 करोड़ रुपए मांगे जब बीजेपी सत्ता में थी क्यों नहीं दिए गौरव माय कॉलीग इज नाउ जॉइनिंग अस लाइव फ्रॉम कोटा एंड गौरव दिस इज शॉकिंग एंड शेमफुल दैट दिस इज द काइंड ऑफ लैंग्वेज आवर मिनिस्टर्स आर स्टिल टॉकिंग व्हेन 91 चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इंसटेड ऑफ ओनिंग टू देयर रिस्पांसिबिलिटी They are still continuing with the blame game. Then what are they in that position for? बिल्कुल सवाल यही है कि आखिर ये जो कंपटीशन कर रहे हैं और सवाल ये भी है कि अशोक गहलोत की सरकार जो है वो राजस्थान में अपना एक बजट जो है वो पेश कर चुकी है ऐसे में अगर उन्हें लगता है कि लगातार 3 सालों तक वसुंधरा सरकार ने बजट रोका तो उसका परिणाम जनता उन्हें दे चुकी है वो सरकार से बाहर है लेकिन सवाल ये है कि जब आपको चुनकर लाया गया है और आप अपना एक बजट पेश भी कर चुके हैं राजस्थान की जनता के लिए तो आपने वो एलोकेशन क्यों नहीं किया अगर आपने एलोकेशन किया होता तो शायद जो तैयारियाँ या बेहतर स्थिति जो है वो जेके लोन हॉस्पिटल में दिखती लेकिन ऐसा नहीं हुआ जब मीडिया में रिपोर्ट्स आई जब तमाम सांसदों और एनसीपीसीआर ने अपनी एडवर्स रिपोर्ट दी एडवर्स कमेंट किए उसके बाद जाकर जागे तो वहाँ पर खिड़कियाँ तक लगाई गई जो सालों से खिड़कियाँ नहीं लगी थी अगर आप किसी चीज़ को विरोध करके सत्ता में आए हैं तो जाहिर तौर पर आप उसको सुधारेंगे अगर आप बीते हुए सरकार को कोसते रहेंगे तो आपका सत्ता में आने का मतलब क्या और ये बड़ा शर्मनाक है सवाल यही है कि रघु शर्मा जयपुर में बैठे हुए मैं आपको बता दूँ 3 घंटे से ज़्यादा की दूरी नहीं है लेकिन उन्होंने एक बार भी कोशिश नहीं की कि वो इस अस्पताल में चले भी आएँ कम से कम हालात देख लें कम से कम अगर मंत्री आएगा तो प्रशासनिक स्तर पर भी जो कमियां हैं उन्हें सुधारने की कोशिश होगी लोगों में एक डर होगा जो काम यहाँ नहीं हो रहे होंगे लेकिन वो चाहते ही नहीं हैं जो भी यहाँ पर जो भी इस तरह की खामियां हैं उसके लिए वरदहस्त है सरकार का सरकार सिर्फ ये मान के बैठी है कि बीजेपी के विरोध के नाम पर वो अपनी खामियों को नहीं सुधारेंगे और यही वजह है ना रघु शर्मा आए ना अशोक गहलोत आए ना कांग्रेस से यहाँ पर कोई हमको आते हुए दिखाई दिया विपक्ष अपनी भूमिका निभा रहा है और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि उस दवाओं में यहाँ पर तमाम तरह के सुधार जो हैं वो अस्पताल में हुए हैं लेकिन अभी भी काफ़ी ज़्यादा सुधार की जरूरत है और बहुत ज़्यादा फंड की ज़रूरत है और अगर उन्हें पता था कि अगर उन्हें पता था या उनका जो दावा है कि लगातार 3 सालों तक कोई फंड नहीं दिया गया वसुंधरा सरकार की तरफ तो उन्होंने अपने बजट में क्या दिया उन्होंने अपने बजट में कितना पैसा जेके लोन हॉस्पिटल के लिए दिया हड़ौती क्षेत्र ही इज एक्सपेक्टेड टू टॉक अबाउट व्हाट द गवर्नमेंट इज डूइंग टू फिक्स द सिचुएशन टू सेव द लाइव्स ऑफ अदर चिल्ड्रन इंस्टेड दे गो ऑन टू लिंक दिस टू सीएए हाउ इनसेंसिटिव इज दैट लेट्स वंस अगेन लिसन इन टू व्हाट रघु शर्मा हैज सेड भारतीय जनता पार्टी ये प्रधानमंत्री कार्यालय से तय हो रहा है परेशान हो चुकी है जो सीएए को लेके एनआरसी को लेके राजस्थान में प्रोटेस्ट हुआ है अब उनको कोई और चीज़ तो मिलती नहीं है मेरा सवाल तो उनसे ये है कि जब आदित्यनाथ जो इनके मुख्यमंत्री हैं गोरखपुर में उनके गृह क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी से 100 से ज़्यादा बच्चों ने दम तोड़ा तो भारतीय जनता पार्टी का एक डेलीगेशन गया था क्या वहाँ यहाँ राजनीति करने के लिए आ रहे हो तो जवाब दो मेरे को 2015 में अस्पताल प्रशासन ने 8 करोड़ रुपए मांगे जब बीजेपी सत्ता में थी क्यों नहीं दिए गौरव आई वांट टू कम बैक टू यू बिकॉज़ स्ट्रेट क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड टू द हेल्थ मिनिस्टर टू व्हाट द गवर्नमेंट इज नाउ डूइंग टू फिक्स द सिचुएशन टू सेव मोर लाइव्स एंड नॉट हियर दिस ब्लेम गेम
that is going on for over a month now. बिल्कुल, ये ब्लेम गेम बंद होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इस मामले में बहुत बुरी तरह से अशोक गहलोत सरकार घिरी हुई है, लेकिन ये उनकी बेशर्मी है कि वो निकल कर नहीं आ रहे हैं, और सिर्फ इस वजह से उन्हें ये बात पच नहीं रही है कि आखिर बीजेपी के लोग विरोध क्यों कर रहे हैं। बीजेपी के लोग ये स्वीकार रहे हैं कि अगर हमने हमारी कमियां थी तो हम सरकार में से चले गए, आप उस विरोध के नाम पर सत्ता में आए हैं हमारी कमियों को दिखाकर, तो आप बच्चों की मौत पर राजनीति ना करके कम से कम इस चीज़ों को, इन चीज़ों को सुधारने की कोशिश कीजिए। लेकिन नागरिकता संशोधन कानून, CAA, इन चीज़ों से जोड़ना ये बेफिजूल की बात है, क्योंकि मंदसौर, रतलाम और इन हाड़ौती क्षेत्र के तमाम जिलों के आदिवासी क्षेत्रों से आने वाले गरीब लोग बहुत उम्मीद के साथ इन अस्पतालों में आते हैं, और उनके पास कोई चारा नहीं है, ना उनके पास इतने पैसे होते हैं कि वो ढंग से खा सकें, इलाज कराना दूर की बात है, तो जाहिर तौर पर मजबूरी में आते हैं। उस मजबूरी का फ़ायदा, क्योंकि उनकी आवाज़ को वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं समझ रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं, और बेशर्मी से रघु शर्मा इतने आज मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके लिए कोटा की दूरी इतनी ज़्यादा है कि वो उसको तय नहीं कर पा रहे, और इस राजनीति से बाहर जाना चाहिए। राजस्थान की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने के लिए उन्हें सोचना चाहिए, ना कि इस तरह की ब्लेम गेम की पॉलिटिक्स में पड़ना चाहिए। All right, Gaurav, stay on with us. Mr. Kalicharan from the BJP is now joining us on the phone line. And I want you to reflect upon how the blame game that continues. And most importantly, the statement that is coming in from Raghu Sharma, where he's saying that because the center is troubled over anti-CAA protests, so they are orchestrating all that is happening. Isn't it shameful that 91 children have lost their lives and this is how we are hearing our ministers talk? Hello. Kalicharan Saraf ji, aap sun pa rahe hain mujhe? Hello. Ji, agar aapko meri aawaz aa rahi hai to aapne Raghu Sharma ji ka comment suna hoga. Wo abhi BJP ke upar blame dal rahe hain, keh rahe hain ki center kyunki anti-CAA protest se pareshan hai to jo bhi ho raha hai use orchestrate kiya ja raha hai. क्या ये भाषा सुनना चाहते हैं हम अपने मंत्रियों से, जब 90 बच्चों की जान जा चुकी है? रघु शर्मा जी ने बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, उनको होना चाहिए, ये होना चाहिए कि वो कोटा जाए और वहाँ क्या कमी खामी रही जिसके कारण की बच्चों की मौत हुई है उसको दूर करने का प्रयास करें, परंतु ये इस प्रकार के स्टेटमेंट देकर के गले पर नमक छिड़कने का काम कर रहे हैं, इनको प्रदेश की जनता से माफी मांगनी चाहिए। हेलो जी, बिल्कुल माफी तो मांगनी चाहिए, पर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी हर किसी की बनती है। 90 बच्चों की जान जा चुकी है, देश को जानना है कि क्या किया जा रहा है उन अस्पतालों में सिचुएशन को सुधारने के लिए, पर हम हर तरह से बयानबाजी ये सुन रहे हैं बीजेपी कांग्रेस के ऊपर डाल रही है, कांग्रेस बीजेपी के ऊपर डाल रही है इस तरह के। जी बोलिए। सरकार का गैर जिम्मेदाराना बयान देना ये संवेदनहीनता का परिणाम है, ये सरकार बिल्कुल संवेदनहीन है। पर बात सिर्फ बयान की नहीं है कालीचरण जी, बात यह है कि हम ना सिर्फ सरकार से जानना चाहते हैं पर केंद्र से भी जानना चाहते हैं कि जब इतना सीरियस क्राइसिस है कोटा में, 90 बच्चों की जान जा चुकी है, तो क्या किया जा रहा है? कोई भी कॉन्क्रीट स्टेटमेंट नहीं आ रहा है। मैंने कहा ना, राजनीति से ऊपर उठकर किस प्रकार से वहां जाकर के समीक्षा करें और जो कमी खामी है उसको दूर करने का प्रयास करें। जी जी, चलिए रिपब्लिक से बात करने का शुक्रिया। थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस।